Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all well. We were studying math of class 5. So today my topic is HCF. First of all, I will discuss about HCF definition. HCF stands for highest common factor. Let's see the definition of HCF. The highest number that can completely divide two or more numbers is called the highest common factor of those numbers. तो definition में बता रहा है कि एक ऐसा सबसे बड़ा number जो दो या दो से ज़्यादा numbers को divide करे, तो वो जो है ना आपके पास highest common factor होगा. तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा number होता है जो दो या दो से ज़्यादा numbers को डिवाइड कर पाता है. तो हम इसको जो है ना एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे एचसीएफ को निकालते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है, find HCF by using prime factorization. 6, 9, 18. ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो prime factorization method से हमने HCF निकालना है, क्योंकि HCF निकालने के दो method होते हैं. एक method होता है prime factorization और दूसरा method होता है long division method. तो हम जो method कर रहे हैं उसका नाम है prime factorization method. तो हम इसके factors बनाते हैं. देखो क्या रहता है. 6 का फैक्टर 6 जो है ना वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी. हमने सबसे छोटा नंबर लेना है. कोशिश करनी है कि छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाए. 2 से स्टार्ट करेंगे 2 और यहां पे 3 आएगा. ये 6 के फैक्टर हो गए. उसके बाद हम 9 के फैक्टर देखते हैं. 3 से डिवाइड होगा उसके बाद 3 आता है 3. देन 18 को लेंगे. 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना. 2 9 18, उसके बाद 3 से 3 3 9 3 1 3. इन तीनों के जो है ना हम फैक्टर्स लिख लेंगे. सिक्स के फैक्टर उसके बाद 9 के बाद 18 के फैक्टर्स. हमने तीनों नंबर्स के फैक्टर देख लिए और अब हमने देखना है कि ऐसा नंबर या ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको हमने जो है ना सर्कल करना है. तो देखिए यहां पे 3 है, यहां पे भी है और यहां पे भी है. 2 यहां पे है, यहां पे है, लेकिन यहां पे नहीं है, इससे ये कॉमन नहीं है. तो इस 3 को जो है ना हम सर्कल कर लेंगे. और HCF का फार्मूला क्या होता है? HCF का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास? 3 HCF क्या हुआ फिर इस क्वेश्चन का? 6, 9 और 18 का HCF हुआ 3. तो इसका मतलब ये है, HCF का ये मतलब है, मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, 6 को भी डिवाइड करे, 9 को भी करे और 18 को भी करे, ठीक है? तो वो नंबर जो है वो 3 है. 3 के टेबल में ये तीनों आ रहे हैं और ये 3 जो है इन तीनों को डिवाइड भी करता है. तो ये HCF होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर इन तीनों को जो है ना वो डिवाइड करे, इसको कहते हैं HCF. तो इसी तरह आपने दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.